आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। मिर्जापुर जनपद के गांव अतरौली खुर्द के प्रधान हरिचरण सिंह द्वारा आशा बहनों को मास्क व थर्मल स्कैनर वितरित किए गए। दरअसल पंचायत भवन पर 8 गांव की आशा बहनों का थर्मल स्कैनिंग कर मास्क और थर्मल स्कैनर बांटे गए। प्रधान हरिचरण सिंह द्वारा एकल विद्यालय के लोगों को मास्क बांटकर थर्मल स्कैनिंग मशीन को चलाने के बारे में गाइडलाइन दी गई और साथ ही कोरोना के बारे में आशा बहनों को सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। मैं आचार्य हूँ, जो कि कोरोना वायरस के बारे में मास्क बांटा गया है। अपने ही गाँव में कुछ जाकर साफ सफाई का और महिलाओं को कोरोना वायरस के बारे में बताती हूँ कि शाम सुबह में कम से कम 2 बार शाम सुबह काढ़ा पीजिए बना बना कर, और साफ सफाई करिए कि जो कि कोरोना वायरस से हम लोग अपने की सुरक्षित खुद रखें और अपने गांव का सुरक्षित रखें कि बस बचाव का दूरी पर बना कर रहें। विद्यालय से संबंधित कैलहट के लगभग 30 बहनों ने यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिया। उनको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आशा बहनें भी यहाँ पर थीं और उनको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन एकल के जो अपने बहनें हैं, उससे जो संबंधित हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में उनकी शाखाएं हैं जो कि एकल विद्यालय चलाती हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार और रहन सहन के बारे में, कोविड-19 इस समय फैला हुआ है, इससे बचाव के बारे में पूरी जानकारी दी गई और थर्मल स्कैनिंग के द्वारा उनके जांच भी किया गया। सर, यहाँ पर जो कि आशा बहनों का भी जांच किया गया, उनको थर्मल स्कैनिंग भी बताया गया, क्या उसके बारे में बताया गया है क्या? हाँ, उनको उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और हम लगभग यहाँ 8 गांव के आशा बहुओं को भी हमने थर्मल स्क्रीनिंग मशीन जो है वितरण किया। उसके बारे में भी नॉलेज दिया गया है या जानकारी दिया, या बाहर से कुछ लोग आए थे उनके गाइडलाइन करने के लिए? कुछ डॉक्टर लोग आए थे, उनको ट्रेनिंग भी दिए थे, दे रहे भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कोविड-19 से बचाव के बारे में, जो इस समय पूरे विश्व का एक महामारी के रूप में इसका हो रहा है, इसके संबंध में सबको दूरी बनाकर रखना चाहिए, मास्क का उपयोग करें, गंदगी न हो, अगल बगल घर के गली गुल से साफ रखें। मुख्य रूप से यही कार्यक्रम था।